तो हे गाइस, आज की इस वीडियो में आपको मैं बताऊंगा कि कैसे आप अपने फेसबुक पेज को डिलीट कर सकते हैं। सो दोस्तों, वीडियो को ध्यान देखना, वीडियो को स्किप बिल्कुल भी मत करना वरना आपको समझ में नहीं आएगा। सो दोस्तों, आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले अपने पेज को यहाँ पे लॉगिन कर लेना है। तो मेरा आप देख सकते हैं मेरा प्रोफाइल लॉगिन है और मैं अपना यहाँ पे पेज को स्विच करूँगा, पेज को लॉगिन करूँगा एंड देन आपको कुछ तरह का पेज ओपन हो जाएगा। तो सिंपली आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे अपने राइट कोने में आपको ऑप्शन दिखा रहा है, अपने प्रोफाइल पर क्लिक करना है एंड उसके बाद आपको यहाँ पे ऑप्शन दिखा देगा, नीचे स्क्रॉल करके आना आपको यहाँ पे ऑप्शन दिखा देगा सेटिंग्स एंड प्राइवेसी, इस पर हम क्लिक करेंगे एंड देन क्लिक करने के बाद आपको कुछ इस तरह का एक नया पेज ओपन होगा। फिर से आपको यहाँ पे सेटिंग्स पे क्लिक करना है एंड देन सेटिंग पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे अपने पेज पर क्लिक करना है। देन उसके बाद आपको स्क्रॉल करके नीचे आना, आपको यहाँ पे ध्यान से समझना दोस्तों, आपको क्या करना है, आपको अब आप क्या ऑप्शन पर क्लिक करना है ध्यान से समझना, आपको यहाँ पे ऑप्शन दिखा देगा एक्सेस एंड कंट्रोल पे क्लिक करना है। देन क्लिक करते हैं आपके एक नया पेज ओपन हो जाएगा। तो सिंपली आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको डीएक्टिवेशन एंड डिलीशन पे फिर से क्लिक करना है एंड देन क्लिक करने के बाद आपको फिर से एक नया पेज ओपन हो जाएगा। तो सिंपली आपको यहाँ पे डिलीट पेज पे क्लिक करना है, चलो ऑप्शन सेलेक्ट करना है। अगर आप डीएक्टिवेट पेज पर क्लिक करते हैं आपका जो है पेज कुछ टाइम के लिए यहाँ पे डीएक्टिवेट हो जाता है, बट दोस्तों आपको यहाँ पे डिलीट पेज पे क्लिक करना है तो आपका पेज जो है परमानेंट डिलीट हो जाएगा। उसके बाद फिर से आपको यहाँ पे कंटिन्यू पे फिर से क्लिक करना है एंड क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे कोई भी एक रीज़न सेलेक्ट कर लेना है, आपको किस रीज़न से अपने पेज को डिलीट कर रहे हैं। तो आपको यहाँ पे कोई सा भी रीज़न सेलेक्ट कर सकते हैं, तो मैं यहाँ पे एक रीज़न सेलेक्ट कर लूँगा, उसके बाद फिर से कंटिन्यू पे क्लिक करूँगा एंड फिर से यहाँ पे कंटिन्यू पे फिर आपको क्लिक करना है एंड फिर से आपको यहाँ देख सकते हैं इतने सारे परमिशन आपका, इतने सारे सब चीज़ें डिलीट हो जाएगा। फिर से यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक करना है। अब आपको क्या करना है, आपको यहाँ अपने पेज का जो है पासवर्ड उसे डाल देना है एंड उसके बाद डालने के बाद आपको यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक करना है एंड क्लिक करते हैं आपका जो है पेज जो है डिलीट हो जाएगा। बट दोस्तों, मैं यहाँ पे अपना पेज डिलीट नहीं करना चाहता, आपको एग्जांपल तौर पे आपको सिखा रहा था। सो दोस्तों, इसी तरह से आप इजीली अपने पेज को डिलीट कर सकते हैं। आई होप आपको छोटी वीडियो पसंद आएगा, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक कर देना और दोस्तों इसके बाद भी अगर आपका कोई डाउट या कन्फ्यूजन हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और टेक इन्फॉर्मेशन साथ, तब तक के लिए जय हिंद।